हेलो दोस्तों, बायोग्राम चैनल पे आपका एक बार और फिर से स्वागत है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं पेपर टू का सिलेबस, जिसका पहला चैप्टर का नाम है मार्केटिंग एंड देयर फंक्शंस। ठीक है, हम मार्केटिंग के बारे में स्टडी करने वाले हैं कि व्हाट एक्चुअली इज मार्केटिंग। शुरुआत करने से पहले जरा सा एक ओवरलुक ले लेते हैं कि हमको इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है और हमारा चैप्टर का क्या क्या पोर्शन डिलीटेड है। तो आइए चलिए बोर्ड पे देख लेते हैं हम लोग थोड़ा सा। बोर्ड पे मैं ऑलरेडी आपके लिए लिख कर रखी हूँ। सो वी हैव टू स्टडी मार्केटिंग फंक्शंस, देन मार्केट सर्वे, मेथड्स ऑफ मार्केट सर्वे एंड चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये चार चीजें हमको पढ़नी है, ये चार हेडिंग के अंडर हम लोगों को ये सारी चीजें स्टडी आउट करनी है। वाइल रिलेटेड पोर्शन क्या क्या है, तो फिश मार्केटिंग डिलीटेड है। फिश मार्केटिंग जो डिलीटेड है उसमें मार्केट और उसके टाइप्स ऑफ मार्केट जो है ये वाला पोर्शन डिलीटेड है। इसी के साथ साथ जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग जो है, ठीक है, ये डिलीटेड है। कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग जो है ये डिलीटेड है। मेथड्स जो है, चार मेथड्स हैं इनके, ये डिलीटेड है। वाइल स्टेट गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हेडिंग के अंडर में आने वाले जितने भी टॉपिक्स है वो सभी के सभी डिलीटेड है। तो ये सारा पोर्शन जो है वो है डिलीटेड पोर्शन ऑफ दिस मार्केटिंग और प्रिंसिपल्स ऑफ फिशरीज मार्केटिंग ये वाले चैप्टर का। वाइल जो हमको स्टडी करना है ये चार चीजें हैं, ये चार चीजें हम लोगों को स्टडी करनी है। चार चीज स्टडी करने के साथ साथ पहला पॉइंट हमारे लिए ये आ जाता है कि मार्केटिंग फंक्शंस क्या क्या है। मार्केटिंग एक्चुअली है क्या? जब आप कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो प्रोडक्ट लेते वक्त में तो उसको मार्केट करना है, आपको सेल आउट करना है। आप सिर्फ एक कोई भी चीज प्रोडक्ट या सिंथेसाइज करके सिर्फ उसको तो छोड़ नहीं सकते। आपको अगर लोगों तक पहुंचाना है तो उसका मार्केटिंग करना जरूरी है। और मार्केटिंग कैसे करिएगा फिर? तो मार्केटिंग करने के लिए आपको अलग अलग पैरामीटर्स पे इसको काम करना होता है। फिशेस अगर आप सिंथेसाइज करवा लेते हैं, आप अपने पॉन्ड में उसको सिंथेसाइज कराते हैं, तो पॉन्ड में सिंथेसाइज कराने के साथ साथ यहाँ पर आपको इसको डेवलप कराना है और आपको इसको मार्केट में सेल आउट कराना है। तो कोई ना कोई तो सोर्स पर्सन चाहिए होगा या कोई ना कोई तो फंक्शनल पार्ट चाहिए होगा जिसकी वजह से आप मार्केटिंग करवा सकेंगे। सो उन्हीं फंक्शंस को हमको स्टडी करना है। आइए देखते हैं क्या क्या वो फंक्शंस है। सो मार्केटिंग फंक्शंस में हमारे पास आ जाता है फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज करवाना है। फिर फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई, फिजिकल सप्लाई किस तरीके से होगी। और फैसिलिटेटिंग फंक्शन क्या है, मतलब और इसके अलावा इसके कौन से फंक्शन है, हमको ये सारी चीजें देखनी है। शुरुआत करते हैं हम लोग फंक्शन ऑफ एक्सचेंज के साथ में। एक्सचेंज ऑफ फंक्शन की बात करें तो हमारे पास में दो चीजें हैं, सेलिंग है और बाइंग है। जब हम कोई भी चीज खरीदते हैं तो खरीदते वक्त में उसको भी तो किसी ने किसी से खरीदा होगा, और जो मेन ओरिजिन पावर जिसके पास में है उसने उसको सेल किया होगा। सो सेल करने के लिए कस्टमर जो है उसको भी प्रॉफिट होना चाहिए, ये चीज देखना पड़ता है। सेल करते वक्त में आपको मुनाफा है या नहीं है ये भी चीज देखना है ना। सो सेलिंग और बाइंग, आप खरीद रहे हो, जब आप कोई चीज किसी से खरीदोगे तो उसमें क्या होगा, आपको उसका कितना बेनिफिट मिल रहा है, आप ये चीज पे ध्यान दोगे। बट जब जो कोई बेच रहा होगा तो बेचते वक्त में भी उसको कोई ना कोई उसका इम्पोर्टेंस या उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, ये चीज देखेगा। ठीक है, सो ये दो चीजें होती है सेलिंग और बाइंग की, कि बेचना किस तरीके से है और खरीदना किससे है जिससे हमको प्रॉफिट मिल सके। तो बेचते वक्त भी प्रॉफिट आना चाहिए और खरीदते वक्त भी प्रॉफिट आना चाहिए, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा साइमल्टेनियसली काम करती है। सो दिस इज फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, हम एक्सचेंज किस तरीके से कर रहे हैं। वाइल मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट कंटेंट, दैट इज फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई। सप्लाई कैसे होगा, कोई भी चीज आपने अगर अपने पास रखी है तो उसको किसी ना किसी मोड से तो ट्रांसपोर्ट कराना होगा। कैसे ट्रांसपोर्ट कराएंगे, तो ट्रांसपोर्ट कराते वक्त में मेरे पास में पहली चीज स्टोरेज और दूसरा है ट्रांसपोर्टेशन। अगर मेरा स्टोरेज ही अच्छा नहीं है तो मैं ट्रांसपोर्ट कैसे कराऊं, क्योंकि मुझे उसको तो रखना पड़ेगा ना। आज मान लीजिए आप अगर ट्यूना फिश लेकर आते हैं ओशन से, ठीक है, ओशन से ट्यूना फिश लेकर आ रहे हैं, और ट्यूना फिश लेकर आने के बाद में आपको उसको ट्रांसपोर्ट कराना है, आपको उसको सेल कराना है, तो क्या वो ओशन के ओशन पे ही सेल हो जाएगी या उसका बेस्ट प्राइस मिल जाएगा आपको? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि बेस्ट प्राइस नहीं मिलेगा। बेस्ट प्राइस के लिए आपका स्टोरेज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा होना चाहिए, जितना अच्छा स्टोरेज उतना अच्छा उसका प्राइस।
बिकॉज अगर स्टोरेज प्रॉपर तरीके से नहीं रहेंगे या पैकेजिंग प्रॉपर तरीके से नहीं रहेगी तो ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत होगी, एज वेल एज ट्यूना फिश को डैमेज भी हो सकता है। अगर उसकी पैकिंग बहुत अच्छी की रहेगी, जैसे मान लीजिए हम बहुत सारे रेफ्रिजरेटेड फूड्स खरीदते हैं, चिप्स खरीदते हैं, चिप्स खरीदते वक्त में भी हम लोग ये चीज देखते हैं कि वो पैकेट में हवा बहुत भरी हुई होती है। हमको ये समझ में नहीं आता कि उसमें हवा क्यों भरी है। उसका मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ये है कि अगर हवा भरी रहेगी तो अगर एक दूसरे के ऊपर में भी पैकेट्स आते हैं तो वो दबेंगे नहीं और जो उसके अंदर चिप्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, वो टूटेंगे नहीं, राइट? तो सेम ऐसे ही डैमेज नहीं होना चाहिए जो प्रोडक्ट है, तभी तो हम गोल गोल चिप्स खाते हैं, टूटे हुए चिप्स नहीं खाना पसंद करते हैं, है ना? तो सेम ऐसे ही कोई भी टूटी हुई फिश या थोड़ी सी दबी हुई फिश खाना पसंद करेगा या डैमेज्ड फिश खाना पसंद करेगा? वो तो फ्रेश फिश खाना पसंद करेगा ना। तो फ्रेश फिश कहाँ से आएगी? तो फ्रेश फिश आती है प्रॉपर स्टोरेज से। सो एक स्टोरेज पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना अच्छा पैकिंग उतना अच्छा उसका रीसेल प्राइस, ठीक है? वाइल ट्रांसपोर्टेशन जब भी हो तो उसके लिए मैंने कुछ चार पॉइंट्स लिखे हैं कि ट्रांसपोर्टेशन जब भी हम कराते हैं तो उससे क्या बेनिफिट होता है या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन कराते वक्त प्राइस अच्छा होना चाहिए प्रोड्यूसर के लिए, तो वो उसको अगर पुराएगा तो वो ट्रांसपोर्ट करवा पाएगा अच्छे तरीके से, अदरवाइज प्रोड्यूसर उसको ट्रांसपोर्ट करने में हिचकिचाएगा। एनलार्जेस द मार्केट एरिया, अगर ट्रांसपोर्टेशन होता है तो मार्केट एरिया ऑटोमेटिकली एनलार्ज हो जाएगा। अगर प्रॉपर एरिया से स्टोरेज नहीं है या ट्रांसपोर्टेशन नहीं है तो वो सेल होने में भी उसको दिक्कत हो जाएगी, वो चाहेगा कि जो प्राइस मिल रहा है चलो दे दो, कम से कम प्राइस तो मिल रहा है ना। देन ओपन्स न्यू मार्केट, ट्रांसपोर्टेशन की वजह से नया मार्केट खुल जाता है, आप बहुत सारे वैरायटी ऑफ जगह पे जाके भी अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। देन रेगुलर सप्लाई एंड बेस्ट ऑफ सर्विस, रेगुलर सप्लाई अगर आपके पास रहेगा तो आपकी सर्विस भी जो रहेगी वो बहुत बेस्ट रहेगी, और बेस्ट रहेगी तो ट्रांसपोर्टेशन एज वेल एज स्टोरेज, ये दोनों पैरामीटर साथ में काम करेंगे इन फिजिकल सप्लाई। आई बात समझ में? नाउ लास्ट है हमारे पास में फैसिलिटेटिंग फंक्शन। फैसिलिटेटिंग फंक्शन क्या कर रहा है? ये आपका जो फिजिकल सप्लाई था या जो एक्सचेंज था इसको ये क्या करेगा, और एनहांस कर देगा इसकी क्वालिटी, या ये इसको फैसिलिटेट करवाने वाला है। तो फैसिलिटेट कैसे करवाएगा? फाइनेंसिंग, अच्छा पैसा खर्च करेगा पैकेजिंग पे तो अच्छा प्रोडक्ट सेल होगा, अच्छा प्रोडक्ट सेल होगा तो उसका क्वालिटी समझ में आएगा लोगों को, और क्वालिटी अच्छी रहेगी तो जाहिर सी बात है लोग खरीदेंगे। देन पैकिंग एंड ब्रांडिंग, ब्रांड होना चाहिए, पैकेजिंग अच्छा होना चाहिए जिसके बारे में अभी मैंने फाइनेंसिंग के अंडर में डिस्कस किया, और रीजनेबल प्राइस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ा देंगे किसी चीज की तो लोग जल्दी खरीद लेंगे, ऐसा नहीं होता है, एक उसका रीजनेबल रेट भी होना चाहिए। देन रिस्क बेयरिंग, मार्केट है तो मार्केट में तो रिस्क होगा ही, है ना? तो रिस्क तो लेना पड़ेगा, बिना रिस्क के तो कोई चीज होगी नहीं। वाइल मार्केट रिसर्चेस, अब यहां पर डिपेंड करता है कि आपने मार्केट को कितने अच्छे से जाना है। आप जिस मार्केट में लेकर जा रहे हो वहां पर सस्ती मंडी है या बहुत महंगी महंगी चीजें भी अच्छे से बिक जाती है, या कभी कभी होती छोटी मोटी चीजें भी अगर वो वहां पर वैल्यूएबल नहीं होती है या वहां पर नहीं मिलती है तो उसका प्राइस भी अच्छा खासा बिक जाता है। जैसे मान लीजिए ब्रोकली ऑयल हम लोग ले लेते हैं, ब्रोकली ऑयल इंडिया में नहीं मिलती थी पहले, है ना? बहुत रीजनल एरियाज थे जहां पर ब्रोकली ऑयल मिलता था, बिकॉज एंड देन उसके बाद में जैसे ही उसकी अवेलेबिलिटी हुई तो अब वो हर रीजन में कहीं ना कहीं पे देखने के लिए मिल रही है। सो इसका कॉस्ट जो है, जो बहुत ज्यादा हाई रिस्क पर कॉस्ट था वो धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया, एंड कम होने के बाद में अब वो रीजनेबल रेट पे मार्केट में अलॉटेड है, है ना? सेम वैसे ही मार्केट रिसर्चेस एंड देन स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग, आपको स्टैंडर्ड वैल्यू उसका लेना पड़ेगा, उसको ग्रेडिंग प्रोवाइड करने पड़ेगी कि ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी ग्रेड है, किस तरीके का ग्रेडिंग है। सो ये सारी चीजें आ जाती है मार्केटिंग फंक्शंस में, और आज हमने फर्स्टली कंप्लीट किया कौन सा, मार्केटिंग फंक्शंस। मार्केटिंग फंक्शंस में फंक्शन ऑफ एक्सचेंज, फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई एंड फैसिलिटेटिंग फंक्शन, ये आपके आंसर में आने ही चाहिए। फंक्शन ऑफ एक्सचेंज में जाइएगा तो सेलिंग और बाइंग रहेगा, फंक्शन ऑफ फिजिकल सप्लाई में जाइएगा तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन रहेगा, वाइल फैसिलिटेटिंग फंक्शन अगर देखेंगे तो उसमें फाइनेंसिंग, पैकेजिंग, रिस्क बेयरिंग, मार्केट रिसर्चेस एंड स्टैंडर्डाइजेशन, ये चार्ट आपके आंसर में आना ही चाहिए। देन यू विल स्कोर फुल मार्क्स एंड देन इसकी डिटेलिंग आप अपने आंसर में लिखेंगे। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड फर्स्ट पॉइंट, दैट इज मार्केटिंग फंक्शंस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मार्केट सर्वे क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले मेरे चैनल को, स्टे ट्यून्ड रहिए मेरे चैनल के साथ, एंड मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।